Good morning, school. Welcome to our book reading session. Today, we will read this chapter, Adaptation in Plants. Plants grow almost everywhere on the earth. Yani, plants earth par sabhi jagah grow karte hain. They live in a variety of habitats. Plants alag-alag habitat mein rehte hain. They are well suited to their natural environment. यानी प्लांट जहाँ भी ग्रो करते हैं वहाँ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट ग्रो इन द प्लेन्स, यानी प्लांट प्लेन में यानी मैदानी भाग में भी ग्रो करते हैं. ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, पहाड़ों पर ग्रो करते हैं. इन डेजर्ट्स, रेगिस्तान में ग्रो करते हैं. इन कोस्टल एंड मार्शी एरियाज, यानी सी के किनारे और दलदली जगहों में भी ग्रो करते हैं. इन हॉट एंड डैप एरियाज, यानी बहुत ज्यादा गर्म और नमी वाली जगहों पर भी ग्रो करते हैं. फ्लोटिंग इन वाटर, पानी पर तैरते भी हैं. ऑन ओशियन बेड्स एंड इन रिवर वैलीज, यानी ओशियन के नीचे और रिवर वैलीज में भी पाए जाते हैं. इनफैक्ट प्लांट्स डेवलप सर्टेन फीचर्स विच इनेबल देम टू सर्वाइव सक्सेसफुली इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट. इसका मतलब है कि प्लांट्स अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस डेवलप कर लेते हैं जिससे वो अपने एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाते हैं, यानी जिंदा रह पाते हैं. सच फीचर्स आर कॉल्ड अडाप्टिव फीचर्स. ऐसे फीचर्स जिनकी वजह से प्लांट्स सर्वाइव करते हैं अपने सराउंडिंग्स में, उन्हें हम अडाप्टिव फीचर्स कहते हैं. लेट अस नाउ स्टडी हाउ प्लांट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. आइए जानते हैं कि कैसे प्लांट्स एक दूसरे से अलग होते हैं उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट प्लांट्स कैन बी प्लेस्ड अंडर टू मेन ग्रुप. प्लांट के हैबिटेट के अकॉर्डिंग उन्हें दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी जमीन पर पाए जाने वाले प्लांट्स, एंड एक्वेटिक प्लांट्स, यानी पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स. Terrestrial plants are mainly found in the plains, in hilly areas, in deserts, in marshy areas, and in hot and damp areas. Terrestrial plants कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? Terrestrial plants मैदान में पाए जाते हैं, पहाड़ों पर पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, marshy areas यानी दलदल में पाए जाते हैं, और hot and damp areas यानी गर्म और नमी वाली जगहों पर भी पाए जाते हैं. प्लांट इन प्लेन्स, यानी मैदानी भाग में पाए जाने वाले पेड़. इन प्लेन्स प्लांट्स आर वेरिड, यानी मैदान में बहुत तरीके के पेड़ पाए जाते हैं. ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस, यानी ट्रीज में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. दे कैन बियर द हीट ऑफ द समर, ये गर्मियों में भी सर्वाइव कर सकते हैं. दे शेड मोस्ट ऑफ देयर लीव इन ऑटम, ऑटम सीजन में इन ट्रीज की पत्तियां झड़ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, बैनियन, शीशम, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल एंड साल आर सम कॉमन ट्रीज इन प्लेन्स, यानी ये सभी पेड़ मैदानी भागों में पाए जाते हैं. प्लांट्स दैट लिव इन प्लेन्स आर कॉल्ड मीजोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो प्लेन्स में उगते हैं उन्हें मीजोफाइट्स कहते हैं. दे हैव प्लेंटी ऑफ ब्रांचेस एंड लीव, इन पेड़ों में बहुत सारे ब्रांचेस और लीव पाए जाते हैं. नेक्स्ट प्लांट्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, यानी पहाड़ों पर पाए जाने वाले पेड़. इन हिली एरियाज द क्लाइमेट इज कोल्ड टू वेरी कोल्ड, यानी पहाड़ों पर वेदर बहुत ही ठंडा होता है. देयर आर फ्रीक्वेंट रेन्स एंड ऑल्सो स्नोफॉल इन सम एरियाज, पहाड़ों पर बहुत जल्दी बारिश होती है और स्नोफॉल यानी बर्फ भी गिरती है कुछ जगहों पर. ट्रीज ग्रोइंग इन सच एरियाज आर टॉल एंड स्ट्रेट, ऐसी जगहों पर उगने वाले ट्रीज टॉल और स्ट्रेट होते हैं, यानी लंबे और सीधे होते हैं. द लीव्स आर मिडिल लाइक, इन पेड़ों की लीव मिडिल जैसी दिखाई देती है. इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स दे बियर कोन्स, इन पेड़ों में फ्लावर्स की जगह कोन्स पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोनीफेरस ट्रीज, क्योंकि इनमें कोन पाया जाता है इसीलिए इन्हें कोनीफेरस ट्रीज भी कहते हैं. द कोनिकल शेप ऑफ द ट्रीज इज एबल टू टॉलरेट स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्नोफॉल, यानी इन पेड़ों का शेप कोन जैसा होता है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी तेज हवाओं को और स्नोफॉल को बर्दाश्त कर सकते हैं.
द ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ये ट्रीज पूरे साल हरे भरे रहते हैं, दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, इसीलिए इन ट्रीज को एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं. सम कॉमन ट्रीज ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स आर, कुछ कॉमन पेड़ कौन से हैं जो हिल्स और माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, फिर पाइन, सेडार, ओक, देवदार एंड स्प्रूस. स्प्रूस ट्रीज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, यानी जो स्प्रूस प्लांट है वो बहुत कोल्ड प्लेसेस में पाया जाता है. नेक्स्ट इन प्लांट्स इन डेजर्ट, यानी डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स. डेजर्ट हम किसको कहते हैं, रेगिस्तान को. डेजर्ट हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. डेजर्ट का मौसम बहुत अलग होता है, समर्स में डेजर्ट बहुत हॉट होते हैं और विंटर्स में बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, यानी बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है. रेनफॉल इज वेरी लिटिल, हेंस वाटर इज स्कार्स इन डेजर्ट, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है इसलिए वहाँ पानी की कमी होती है. स्कार्स मीन्स कमी. समटाइम्स देयर आर हॉट विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स, कभी कभी यहाँ पर बहुत गर्म हवाएं चलती हैं और धूल भरी आंधी भी चलती है. प्लांट्स दैट लिव इन डेजर्ट एरियाज आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं उन्हें हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं. द प्रिकली पियर एंड कैक्टस आर द कॉमन डेजर्ट प्लांट्स, प्रिकली पियर और कैक्टस डेजर्ट में पाए जाने वाले कुछ कॉमन प्लांट्स हैं. टू सेव वाटर डेजर्ट प्लांट्स हैव द फॉलोइंग फीचर, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है इसीलिए पानी बचाने के लिए इन प्लांट्स में कुछ स्पेशल फीचर पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे हैव लॉन्ग रूट दैट ग्रो डीप इन टू द सॉइल टू गेट अंडरग्राउंड वाटर, इन प्लांट्स की जो रूट होती है वो सॉइल के नीचे बहुत डीप तक जाती है, बहुत गहराई तक जाती है, जिससे ये अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे पाया जाने वाला पानी एब्जॉर्ब कर सके. मोस्ट प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स, ज्यादातर प्लांट्स बिना पत्तियों के उगते हैं. द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस और थॉर्न, रेगिस्तान में उगने वाले प्लांट्स की जो लीफ होती है वो स्पाइन यानी कांटों में बदल जाती है ताकि उनमें से पानी ज्यादा लॉस ना हो सके. द स्टेम बिकम थिक एंड फ्लैशी, और इन प्लांट्स की स्टेम बहुत थिक और फ्लैशी हो जाती है. दे स्टोर फूड एंड वाटर, इन स्टेम्स में फूड और वाटर स्टोर होता है यानी जमा होता है. द स्टेम्स कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक फूड, क्योंकि इनकी स्टेम्स ग्रीन होती है यानी इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसीलिए इन प्लांट्स के स्टेम में भी फूड बन सकता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा. नेक्स्ट प्लांट्स इन मार्शी एरिया, यानी कीचड़ में या दलदल में पाए जाने वाले प्लांट. मार्शी एरियाज आर फाउंड अलोंग सी कोस्ट दैट आर फ्लडेड विथ सॉल्टी सी वाटर, मार्शी एरिया सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे पाए जाते हैं और इनकी मिट्टी में सॉल्टी सी वाटर मिला होता है यानी नमकीन समुद्र का पानी मिला हुआ होता है. इन मार्शी एरियाज द सॉइल इज स्टिकी एंड क्लेई, मार्शी एरिया की जो सॉइल होती है वो बहुत चिपचिपी और क्लेई होती है. द ट्रीज दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैनग्रूव, ऐसे प्लांट जो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं उन्हें मैनग्रूव कहते हैं. ड्यू टू वाटर लॉगिंग द रूट डू नॉट गेट एयर फॉर ब्रीदिंग, क्योंकि ये मिट्टी कीचड़ जैसी होती है इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसलिए इनकी रूट को एयर नहीं मिल पाता है ब्रीदिंग के लिए. सो रूट कम आउट ऑफ द सॉइल, इसीलिए इनकी रूट सॉइल से ऊपर उठी हुई होती हैं. सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स, ऐसे रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है. दे हैव होल्स इन देम टू एब्जॉर्ब एयर, इन रूट्स में छोटे छोटे एयर होल्स पाए जाते हैं जिससे ये एयर को एब्जॉर्ब कर सके. नेक्स्ट प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प एरियाज, यानी गर्म और नमी वाली जगह पर पाए जाने वाले प्लांट. कोकोनट पाम ग्रो वेल इन द कोस्टल एरियाज बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर एंड प्रेफर एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल. कोकोनट के जो ट्रीज होते हैं वो
सी एरियाज में यानी सी के समुद्र के किनारे आराम से उग सकते हैं क्योंकि इन्हें सॉल्टी वाटर और हैवी रेनफॉल में भी सर्वाइव करना आता है. इन सच एरिया ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स एंड दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर. ऐसी जगहों पर उगने वाले प्लांट्स में बहुत सारी लीव्स पाई जाती हैं और ये ठंडियों में इन पेड़ों की पत्तियां नहीं झड़ती हैं. सम अदर प्लांट्स इन सच एरियाज आर, कुछ और प्लांट्स जो इन एरिया में उगते हैं, पेपर, रबर, राइस, कॉटन एंड शुगर केन. रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट इसे कहते हैं जहां पर हमेशा बारिश होती रहती है. तो रेन फॉरेस्ट का जो वेदर है बहुत हॉट और वेट यानी नमी वाला होता है. रेन फॉरेस्ट फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर. हमारे अर्थ के सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन जाती है उसे इक्वेटर कहते हैं हम. तो रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के पास पाए जाते हैं. इन रेन फॉरेस्ट देयर आर बोथ टॉल एंड स्मॉल ट्रीज. रेन फॉरेस्ट में सबको सभी तरह के ट्रीज पाए जाते हैं. टॉल ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, क्लाइंबर्स, फर्न्स एंड फंजाई. वाइल्ड वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर आल्सो फाउंड इन रेन फॉरेस्ट. यानी रेन फॉरेस्ट में बहुत तरीके के जानवर भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स यानी पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफाइट. एक्वेटिक प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट भी कहते हैं. दे आर ऑफ थ्री टाइप. एक्वेटिक प्लांट्स थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट, सेकेंड रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट एंड थर्ड रूटेड एंड अंडर वाटर प्लांट. फर्स्ट फ्री फ्लोटिंग प्लांट यानी पानी पर फ्रीली तैरने वाले प्लांट. सम वाटर प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस. कुछ पानी में पाए जाने वाले प्लांट आराम से पानी की सतह पर तैरते रहते हैं. दे आर नॉट अटैच टू द बॉटम सॉइल. वो तालाब या नदी के नीचे पाए जाने वाली मिट्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं. प्लांट्स फ्लोट बिकॉज दे आर ईदर लाइट और विथ स्पॉन्जी एंड एयर फिल्ड पार्ट ऑफ और आर स्मॉल इन साइज. ये प्लांट्स पानी में इसलिए तैर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं या इनके जो पार्ट्स होते हैं उनको स्पॉन्जी होते हैं और उनमें हवा भरी हुई होती है या तो ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में. सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर वाटर, हाइसेंस, डकवीड, वुल्फिया एंड पेस्टिया. रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. In some aquatic plants like lotus, water, lily, trapa, the roots are fixed in the mud and the leaves with their long petioles remain floating. ऐसे aquatic plants जैसे कि lotus, water lily, trapa हम बोलते हैं सिंघाड़े को, इनकी जो root होती है वो पानी के नीचे mud में या soil में fix होती है और इनकी जो leaf होती है वो long petioles यानी stem से जो डंडी जुड़ी हुई होती है leaf की उसे पेटियोल कहते हैं. अपने लॉन्ग पेटियोल्स के थ्रू पानी के ऊपर तैरते रहते हैं. इन सच प्लांट्स लीव्स आर ब्रॉड एंड पेटियोल्स आर हॉलो एंड लाइट टू कीप द लीव्स एंड फ्लावर अफ्लोट. ऐसे प्लांट्स की जो लीफ होती है वो बहुत ब्रॉड होती है और जो पेटियोल होते हैं वो हॉलो यानी खोखले होते हैं एंड लाइट यानी हल्के होते हैं जिसकी वजह से लीव और फ्लावर्स पानी के ऊपर आराम से तैरते रहते हैं. द ब्रॉड लीव्स प्रोवाइड अ नेस्टिंग प्लेस फॉर सम स्मॉल बर्ड्स. जो चौड़ी पत्तियां होती हैं प्लांट की वो कुछ बर्ड्स के लिए नेस्टिंग प्लेस यानी अंडे देने की जगह भी होती है. नेक्स्ट है रूटेड एंड अंडर वाटर प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जो पानी के नीचे पाए जाते हैं उन्हें हम अंडर वाटर प्लांट्स कहते हैं. सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, पॉन्ड वीड एंड टेप ग्रास रिमेन्स अंडर वाटर एंड आर रूटेड इन द सॉइल. कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे हाइड्रिला, पॉन्ड वीड एंड टेप ग्रास ये पानी के नीचे ही रहते हैं और जमीन में जुड़े हुए होते हैं. इनकी जो जड़ होती है वो सॉइल में जुड़ी हुई होती है. दीज प्लांट्स हैव नैरो लीव्स एंड हैव नो स्टोमेटा. इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो बहुत पतली होती हैं और इनमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता. दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस.
वो अपने बॉडी के सरफेस यानी सतह से ब्रीद करते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स क्लीन द वाटर बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं वो पानी में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। सो दे आर ग्रो इन एक्वेरियम। इसीलिए हम एक्वेरियम्स में इन प्लांट्स को लगाते हैं ताकि वो पानी को साफ कर सकें। प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली यानी ग्रास के जैसे दिखने वाले कुछ प्लांट्स। प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर इम्पोर्टेंट टू अर्थ इन मैनी वेज। यानी ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऑल ऑफ अस प्रोबेबली ईट ग्रास एवरी डे। हम सभी शायद रोज ग्रास खाते हैं। एक्चुअली व्हेन वी थिंक ऑफ ग्रास वी एक्चुअली थिंक ऑफ द ग्रास इन लॉन्स एंड फील्ड। हम जब भी ग्रास के बारे में सोचते हैं हमें ग्राउंड में या लॉन्स में गार्डन में उगने वाली घास याद आती है। बट द सीरियल्स दैट वी ईट सच एज वीट राइस मेज बार्ले ज्वार बाजरा ऑल बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। लेकिन जो सीरियल्स हम खाते हैं जैसे कि गेहूं चावल मेज बार्ले ज्वार बाजरा ये सभी ग्रास फैमिली के प्लांट्स हैं। विदाउट सीरियल ग्रेन्स वी कैन नॉट हैव ब्रेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स केक और पॉपकॉर्न। बिना इन सीरियल ग्रेन्स के ना हमें ब्रेड मिल सकता है ना ब्रेकफास्ट मिल सकता है ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिल सकते हैं और ना ही केक और पॉपकॉर्न मिल सकता है। शुगर केन एंड बैम्बू टू बिलोंग टू ग्रास फैमिली। शुगर केन यानी गन्ना और बैम्बू मतलब बांस। गन्ना और बांस भी ग्रास फैमिली के ही प्लांट्स हैं। दे आर कॉल्ड जायंट ग्रासेस। इन प्लांट्स को हम जायंट ग्रासेस बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं और दिखने में घास जैसे ही होते हैं। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। हमें शुगर केन से शुगर मिलती है। बैम्बू इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स। बैम्बू का यूज हम बहुत सारी चीजें बनाने के लिए करते हैं जैसे चेयर्स बास्केट मैट कर्टेन टॉयज हट एंड ब्रूम। हट यानी झोपड़ी और ब्रूम मतलब झाड़ू। बैम्बू शूट्स आर ईटन बिकॉज ऑफ देयर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। बैम्बू शूट यानी बैम्बू का जो मुलायम भाग होता है ऊपर की तरफ उन्हें हम बैम्बू शूट कहते हैं। उन्हें बहुत लोग खाते हैं क्योंकि उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा पाई जाती है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं उसमें। दे आर रिच इन विटामिन सेल्यूलोज एंड अमाइनो एसिड। ये बैम्बू शूट में विटामिन सेल्यूलोज और अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट मैनी टेस्टी डिशेज फॉर बैम्बू शूट आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व। इंडिया में इंडिया के कुछ भागों में स्पेशली नॉर्थ और ईस्ट की तरफ बहुत सारी टेस्टी डिशेज बनाई जाती हैं बैम्बू शूट से। पेपर वॉज फर्स्ट मेड फ्रॉम अ ग्रास कॉल्ड पैपिरस। पेपर सबसे पहले एक घास से बनाया गया था जिसका नाम पैपिरस है। कहाँ बनाया गया था? इजिप्ट में। वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रासेस आर नाउ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर। आज बहुत तरीके के ग्रासेस का यूज किया जाता है अलग अलग तरीके के पेपर बनाने के लिए। सम प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। ग्रास फैमिली के कुछ प्लांट्स का यूज मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए भी किया जाता है। ग्रास ब्यूटीफाइज द लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी कोई सीनरी या दृश्य। ग्रास किसी भी दृश्य को सुंदर बना सकता है। इट फॉर्म्स एन अट्रैक्टिव सरफेस और लॉन्स पार्क एंड प्लेग्राउंड। ग्रास की वजह से कोई भी सरफेस यानी जमीन लॉन यानी गार्डन पार्क या प्लेग्राउंड बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। ड्राइड ग्रास इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल। सूखे हुए घास का प्रयोग चीजों को पैक करने के लिए किया जाता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली हेल्प टू कंजर्व सॉइल। ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट
कंजर्वेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद करते हैं. मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स लिव ऑन ग्रासेस. बहुत सारे घास खाने वाले एनिमल्स ग्रास पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा. प्लांट्स दैट ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स. ऐसे प्लांट जो कीड़े पकड़ते हैं और उन्हें खाते हैं. मोस्ट प्लांट्स गेट देयर नाइट्रेट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ग्राउंड. ज्यादातर प्लांट्स नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट यानी जरूरत को ग्राउंड से पूरा करते हैं. सॉइल में एक मिनरल पाया जाता है जिसका नाम नाइट्रेट है. प्लांट को ग्रोथ के लिए उनकी जरूरत पड़ती है. प्लांट्स दैट ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट. मोस्ट प्लांट्स गेट देयर नाइट्रेट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ग्राउंड यानी ज्यादातर प्लांट्स अपने नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट जरूरत को ग्राउंड से पूरा करते हैं. बट इन मार्शी और स्वैम्पी प्लेसेस देयर इज नॉट मच नाइट्रेट. लेकिन दलदली इलाकों में या दलदली जगह में प्लांट्स को सॉइल से नाइट्रेट नहीं मिल पाता. सो द प्लांट्स ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू गेट द सॉल्ट दे नीड. इसीलिए वहाँ प्लांट्स इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ते और डाइजेस्ट करते हैं ताकि वो अपने सॉल्ट की यानी नाइट्रेट की नीड को पूरा कर सके. सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है. इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स कैच देयर फूड इन डिफरेंट वेज. इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स अपने फूड को अलग अलग तरीकों से पकड़ते हैं. इन द वीनस फ्लाई ट्रैप द लीव्स वर्क एज ट्रैप. आप यहाँ देख सकते हैं इस प्लांट का नाम वीनस फ्लाई ट्रैप है. इसकी जो लीव्स हैं एक ट्रैप यानी जाल की तरह काम करती हैं. इन द सेंटर ऑफ ईच हाफ ऑफ द लीव्स देयर आर सेंसिटिव हेयर्स. इनके बीच में लीव्स के बीच में कुछ सेंसिटिव हेयर्स पाए जाते हैं. द लीव क्लोजेस इमिडिएटली व्हेन द सेंसरी हेयर आर टच्ड बाय द फ्लाइज. जैसे ही इन सेंसिटिव हेयर्स को कोई भी फ्लाई टच करती है प्लांट को पता चल जाता है कि कोई इंसेक्ट इनके ऊपर आकर बैठा है और ये तुरंत ही लीव्स अपनी बंद कर लेता है जिससे इंसेक्ट इनमें ट्रैप हो जाता है. इन द पिचर प्लांट द एंड ऑफ द पिटियोल इज मॉडिफाइड इनटू अ पिचर. द लीड ऑफ द पिचर इज फॉर्म्ड बाय द लैमिना. पिचर प्लांट के पेटियोल के लास्ट में पिचर शेप का बना हुआ होता है. इसका जो लिड होता है यानी ढक्कन वो लीव ब्लेड या लैमिना का बना हुआ होता है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाउनवर्ड पॉइंटिंग स्मूथ हेयर इंसेक्ट स्लिप डाउन एंड आर ट्रैप्ड इन द पिचर. ये पिचर प्लांट का जो मुंह होता है इसके अंदर डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए हेयर पाए जाते हैं. जब इनके अंदर कोई इंसेक्ट उड़कर गिरता है तो वो डाउनवर्ड हेयर्स में फंस जाता है और उड़कर वापस नहीं निकल पाता है. तो डाइजेस्टिव जूसेस इस प्लांट में सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से वो इंसेक्ट स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है. इन द सनड्यू प्लांट्स देयर आर स्टिकी हेयर्स ऑन इट्स लीव्स. दीज हेयर्स ट्रैप इंसेक्ट्स एंड कवर देम विद डाइजेस्टिव फ्लूइड. सनड्यू प्लांट में स्टिकी हेयर्स पाए जाते हैं यानी ऐसे हेयर्स जिनका जो सिरा होता है वो चिपचिपा होता है और देखने में ओस की बूंद जैसा लगता है. और जब इन पर फ्लाइज या इंसेक्ट आकर बैठते हैं तो वो इनके हेयर्स पे चिपक जाते हैं. फिर ये रोल डाउन होकर बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट इनमें ट्रैप हो जाता है और धीरे धीरे से डाइजेस्टिव फ्लूइड की वजह से वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स और सैप्रोफाइट्स यानी ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं और सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं. सैप्रोफाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स फंगाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन एंड गेट देयर नरिशमेंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल. सैप्रोफाइट्स ऐसे छोटे प्लांट्स होते हैं या फंगाई होते हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सड़ी हुई और मरी हुई चीजों के ऊपर उगते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. सैप्रोफाइट्स रिसाइकल ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल. ऑर्गेनिक मटेरियल यानी ऐसी चीजें जो नेचर में खुद से उगती हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं. तो सैप्रोफाइट्स जो होते हैं
वो ऑर्गेनिक मटेरियल को सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स दैट कैन बी टेकन अप बाय अदर ऑर्गेनिजम्स. ये प्लांट्स यानी सैप्रोफाइट्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि इनका यूज अदर ऑर्गेनिजम्स भी कर सकें. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, मशरूम एक्सेट्रा. इनके एग्जाम्पल हैं मशरूम और ब्रेड मोल्ड. लास्ट इज पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक हम उन्हें बोलते हैं जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. अ पैरासिटिक प्लांट इज अ प्लांट दैट डिराइव्स सम और ऑल ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अनदर लिविंग प्लांट. हम एक पैरासिटिक प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जो अपनी सारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट यानी जरूरत दूसरे लिविंग प्लांट से पूरा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉडर रफलेसिया. रफलेसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. रफलेसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है. ये प्लांट किसी हेल्दी प्लांट के रूट के पास उगते हैं और उन्हीं के ऊपर चढ़ते हैं, जिस बाद में फिर उसी प्लांट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके ये प्लांट सर्वाइव करते हैं. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.